तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप लोगों को भी सुनने में आया होगा कि अब इंडियन आर्मी में पहली होगी ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि लिखित परीक्षा फिजिकल से पहले होगा। जो फिजिकल की तैयारी हम लोग पहले करते थे, अब हमें पहले लिखित परीक्षा की तैयारी करनी होगी। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा कि ये रूल लागू हुआ है नहीं हुआ है, कब होगा, कैसे होगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये रूल किस दिन से लागू होगा। तो सबसे पहले अभी रूल लागू नहीं हुआ है। दूसरी चीज, जो 14 दिसंबर को, जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इंडियन आर्मी ने एसबीआई के साथ जो एग्जाम कंडक्ट कराने की रूल जो बनाई है वो कंफर्म हो चुकी है। अब दूसरी बात, जो लिखित परीक्षा बोला जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा 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 होगा, वो अभी लागू नहीं हुआ है। वो अभी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया जो 2023 में जो होगा, पहले लिखित परीक्षा, ऑनलाइन एग्जाम 2023, तो 9 जनवरी से, जैसा कि स्क्रीन में आप लोग इतना बड़ा जो देख रहे हैं लिखा हुआ है, 9 जनवरी से पहला ट्रायल होगा। ग्वालियर में पहला जो ट्रायल होगा वो 9 जनवरी से होगा, और मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, इसलिए जुड़े रहना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन में ये जो पेपर कटिंग है ये 3 दिन पहले आया है, और सेना के तरफ से बोला गया है कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, पहले लिखित परीक्षा कराने की तैयारी। भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत, भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए पहले अब हो गई शारीरिक परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा देना होगा। भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इसलिए ग्वालियर में 9 जनवरी को ट्रायल होने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन, अभी हुआ नहीं है लागू, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत बड़ी ये बात है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये बदलाव नए साल से लागू हो जाएगा। मतलब अगर 9 जनवरी से जो ग्वालियर में ट्रायल चल रहा है, अगर वो सही ठीक ठाक रहा तो जैसे टीओडी लागू हुआ, वैसे ही ये ऑनलाइन एग्जाम भी लागू हो जाएगा 2023 की सेकेंड बैच जो अग्निवीर की रहेगी, उसमें ही 9 जनवरी से ट्रायल चलने वाला है। दरअसल भारतीय सेना में सैनिकों, जनरल ड्यूटी, क्लर्क, ट्रेडमैन में भर्ती प्रक्रिया शारीरिक परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद जो अभ्यर्थी चयन होंगे उन्हें लिखित परीक्षा सॉरी मेडिकल परीक्षा और फिजिकल के लिए आगे चुना जाएगा। बड़ा बदलाव बहुत दिनों से सेना में होना था पर नहीं हुआ, अब इस साल होना है। और मैं आप लोगों को जो मेन टॉपिक है वो बताना चाहूंगा, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं मेन मेन जो टॉपिक है वो बता रहा हूँ, लिखित परीक्षा, इसके बाद शारीरिक परीक्षा आपकी ली जाएगी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसके बाद रिक्त पदों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद पदों को 10 से 15 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिन्हें शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मिलेगा और उनका चयन मेडिकल परीक्षा होगा। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि जितने बच्चे लिखित देंगे उसमें से जितनी वैकेंसी है उससे 10 से 15 गुना बच्चों को एडमिट कार्ड जारी करेंगे। इन लोग एडमिट कार्ड जारी करेंगे और इनको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिजिकल और मेडिकल के लिए। मतलब जैसे 500 निकलता था तो 10 गुना 5,000 निकालेंगे, और इन्हें 5,000 फिजिकल में आएंगे, और उनमें से मेडिकल और फिजिकल जो क्लियर करेंगे उनका चयन होगा। तो अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होने के लिए टाइम है, लागू 2023 में ही होगी। अगर ये 9 जनवरी को सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लागू होगा। मतलब सेना के तरफ से जो न्यूज आ रहा है उसके हिसाब से, अभी आपको जितने भी यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम हो गया हो गया हो गया, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा नहीं अभी,
अभी सबसे पहले ट्रायल चलेगा, ट्रायल कंप्लीट होगा जैसा कि पूरा आप देख सकते हो, एक नहीं तीन तीन चार चार मैं दिखा रहा हूँ, ट्विटर का दिखा रहा हूँ, पेपर का दिखा रहा हूँ, सारा कुछ दिखा रहा हूँ। और जो ऑनलाइन एग्जाम जो दिखा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे दिखा रहा है, वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, वो ऑनलाइन सीईसीई एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड जैसा कि मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो है ये एडमिट कार्ड के लिए बताया गया है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं, वहां पे लिखा नहीं हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये बहुत बड़ी टॉपिक है क्योंकि सारे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि लागू हो गया है, लागू हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लागू होगा, उम्मीद है लागू होगा, 99% हो ही जाएगा। जैसे इतनी बड़ी टीओडी लागू हो गई तो ये तो मामूली सी बात है कि एग्जाम भी लागू हो ही जाएगा। तो आप लोग जो पहले फिजिकल की तैयारी करते थे, अब उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अब रिटर्न की पहले तैयारी करनी होगी, फिजिकल के साथ साथ बहुत जरूरी हो जाता है रिटर्न की तैयारी करनी। तो रिटर्न की तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों को बुक बताऊंगा, ऐप बताऊंगा, उससे आप पढ़ सकते हो। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से अच्छे रनिंग टिप्स के लिए, और एक कमेंट जरूर करना, जय हिंद जय भारत कमेंट में जरूर लिखना, वंदे मातरम। और मैं फिर से बताऊंगा, फिर से बताना चाहूंगा कि अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होने में टाइम है, और अभी हिम्मत नहीं हारना है, लागू हो भी जाए तो क्या हुआ, एग्जाम क्वालिफाई करके हम फिजिकल जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।